सो गाइस, प्रीमियर लीग इज फाइनली बैक अगेन, और आफ्टर 2 मंथ्स ब्रेक के बाद प्रीमियर लीग दोबारा स्टार्ट होने जा रही है। और फर्स्ट मैच जो है बर्नली वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का, बर्नली के होम ग्राउंड में खेला जाएगा। और मैनचेस्टर सिटी के लेजेंड विंसेंट कंपनी बर्नली के कोच हैं, और जिस तरह बर्नली ने मतलब प्रीमियर लीग के में पहुंचने में जिस तरह से जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल उन्होंने खेले, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा सिटी का बर्नली के साथ। और जो है वही पेप गार्डियोला वाला स्टाइल जो है इम्प्लीमेंट करा है विंसेंट कंपनी ने बर्नली जैसी टीम के ऊपर, जिसको एक दौर में हम सब एक मजाक उड़ाया करते थे बर्नली का, उनकी लॉन्ग बॉल्स का, उनके जो लंबे लंबे स्ट्राइकर होते थे किस तरह वो टाइम वेस्ट करते थे। और इस तरह का अब बर्नली का सीन नहीं है, डिफरेंट टीम हो चुकी है, डिफरेंट स्टाइल हो चुका है उनकी टीम का। सो काफ़ी अच्छा मैच है एक स्टार्ट के लिए प्रीमियर लीग के। तो सबसे पहले तो सिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मर चैंपियन भी है लास्ट 3 कंजेकेटिव ईयर्स के साथ, और इस सीजन के दोबारा ही मैनचेस्टर सिटी दोबारा टाइटल जीतेगा, या कोई दूसरी टीम उनको कम्पीट कर पाएगी या उनसे टाइटल जीत पाएगी, तो जैसा लग तो बहुत मुश्किल रहा। हालांकि सिटी ने काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है अपने सेल भी कर दिए हैं, तो सबसे पहले तो रियाद महरेज को उन्होंने, जो विंगर थे उन्होंने उनको सेल करा उन्होंने रियाद महरेज को, और इस तरह से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और बर्नार्डो सिल्वा जैसे, उनके भी र्यूमर्स है कि क्या वो बार्सिलोना ज्वाइन कर लेंगे। गुंदुगान ऑलरेडी बार्सा जा चुके हैं, तो काफ़ी सारी चेंजेस सिटी की टीम के अंदर भी हुई है। कांसेलो ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके थे और दोबारा वो नहीं होंगे जिस स्क्वाड के अंदर, और गार्डियोल को साइन करा। अगर साइनिंग्स की बात करूँ मैनचेस्टर सिटी ने डिफेंसिवली तो काफ़ी स्टोन्स, काफ़ी इस मतलब के स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिस तरह जॉन स्टोन्स हैं, रूबिन डियाज ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंडर थे, एकेंजी, नेथन एकी और काइल वॉकर के काफ़ी र्यूमर्स आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सिटी ने समहाउ पेप गार्डियोला ने रोक लिया उनको, और वो बायर्न म्यूनिक नहीं जा रहे और वो सिटी में स्टे करेंगे। तो डिफेंसिवली तो कोई डाउट नहीं है, सिटी बहुत ज़्यादा पिछले सीजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और जो है डिफेंसिवली तो कोई पेप गार्डियोला को कोई परेशानी नहीं आने वाली। मिडफील्ड में उन्होंने कोवासिच को साइन करा है, और अभी इस कोवासिच के अलावा तो कोई मिडफील्डर उन्होंने साइन करा नहीं है मिडफील्ड के अंदर। और जो है पाकेटा से र्यूमर्स आ रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के, और पाकेटा को आई थिंक कि गोल स्कोरिंग ऑप्शन के लिए अगर मैनचेस्टर सिटी साइन करना चाहे अपनी टीम में, क्योंकि गुंदोगान लेफ्ट कर चुके हैं, और जो परफेक्ट साइनिंग हो सकी है, परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो चुकी है, क्योंकि लुकास पाकेटा वो इस तरह के प्लेयर है जिनके अंदर वो स्टिंग वो है गोल स्कोरिंग स्टिंग के, वो राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम हो सकते हैं बॉक्स के अंदर, तो एक अच्छी साइनिंग हो सकती है अगर सिटी, क्योंकि आई थिंक 70 मिलियन की बिड रिजेक्ट करिए वेस्ट टाइम ने, तो काफ़ी मुश्किल होगा। लेट्स सी कि क्या सिटी किस तरह से साइन करता है, कितने पैसों में साइन करता है अभी पता चलेगा, क्योंकि अगर सिटी को कोई किसी प्लेयर को साइन करना होता है अगर उनको अपनी नीड के हिसाब से, तो वो ऑफकोर्स साइन कर लेंगे, तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो सिटी की अगर टीम की बात करें तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है टीम, और आर्सेनल से हार गए थे कम्युनिटी शील्ड आखिरी मिनट में, वो जो ऑन गोल मतलब डिफ्लेक्टेड गोल हो गया था उसका, पेनल्टी शूट आउट मार गए थे, लेकिन इतनी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि फ्रेश प्लेयर से सारे आहिस्ता आहिस्ता अपने फॉर्म में आएंगे, तो आई थिंक सिटी स्टिल फेवरेट है टाइटल के लिए। और उनके साथ जो कम्पीट करने की बात करूं तो आर्सेनल की जो टीम है मुझे क्या सबको ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है इस वक्त, अगर सिटी के अलावा बात करें हम किसी टीम की, जिस तरह उन्होंने साइनिंग्स करी है और जिस तरह उन्होंने बिल्कुल टॉप मिडफील्डर साइन करा, डेक्लिन राइस को साइन करा, टिम्बर को उन्होंने साइन करा एज अ सेंटर बैक, तो काफ़ी, और काइल हावर्ट्स को उन्होंने एज अ फॉरवर्ड साइन करा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइनिंग्स करी है, और मे बी और साइनिंग्स कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। कीपर उन्होंने साइन करा कम्पीट करने के लिए राया को, तो काफ़ी ऑलरेडी टीम उनकी स्ट्रॉन्ग थी, साका ऑलरेडी हैं, ऑडीगार्ड हैं, स्ट्राइकर्स उनके पास काफ़ी अच्छे हैं, डिफेंसिवली काफ़ी सलीबा गैब्रियल, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी टीम थी, और उन्होंने इसके अलावा भी जो है अच्छे प्लेयर्स साइन ऑलरेडी कर लिए, तो टाइटल के लिए ऑफकोर्स कम्पीट करें, क्योंकि लास्ट सीजन भी जो है आर्सेनल के हाथ में ही था टाइटल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलूँ या फॉर्चुनेटली बोलूँ सिटी के लिए, क्योंकि सिटी जो है लग नहीं रहा था कि टाइटल जीतेगा, क्योंकि काफ़ी आर्सेनल ने भी फाइट करी थी, लेकिन एंड मौके पे जहाँ पे वो क्लच टाइम आया, जिस वक्त वो मैचेस आर्सेनल को जीतने थे, वहीं पे उन्होंने अपने मैच बॉटल करे, और जिसकी वजह से मैनचेस्टर सिटी ने उसका एडवांटेज उठा के टाइटल 3 इन a row जीत गया लास्ट सीजन। तो ओवरऑल अगर आर्सेनल की टीम की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और कम्युनिटी शील्ड भी जीत, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे सिटी को कम्युनिटी शील्ड की ट्रॉफी हरा के, क्योंकि कम्युनिटी शील्ड को जाहिर सी बात है लोग इतना कोई भी नहीं करेगा, लेकिन वही बात है कि आप लेकिन सिटी जैसी टीम को, क्योंकि वो 6 ट्रॉफीज़ के लिए लड़ लेते और उनका वो ट्रॉफी हार जाना, तो काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे थे एज ए टीम, क्योंकि वो नहीं जीत पाए, क्योंकि अगर आप जब ट्रिपल जीतते तो आप चाहते हैं कि हम 6 की 6 ट्रॉफी जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिटी ऐसा नहीं कर पाएगा,
बायर्न म्यूनिख और बार्सा ओनली क्लब हैं जो 6 टाइटल्स जीते हैं अपने करियर के अंदर, अपने फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर। तो आर्टेटा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी टीम के अंदर, और जो है प्लेयर्स भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा कम्पीट करेंगे इस सीज़न और काफ़ी अच्छी फाइट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी आर्सेनल किस तरह से परफॉर्म करता है। तो यूनाइटेड की बात कर लें, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी साइनिंग्स करी हैं इस सीज़न। उन्होंने हॉयलैंड को साइन करा एज अ फॉरवर्ड के अंदर, अमराबाद के उनसे लिंक आ रहे हैं, मेसन माउंट को उन्होंने साइन करा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और कीपर के अंदर उन्होंने बहुत अपग्रेड करा डेविड डिगे का, ओनानो को साइन करा। जिस तरह टेन हाग कीपर चाहते हैं उस तरह उन्होंने कीपर को साइन करा है, जो बॉल से भी खेल सके और शॉर्ट स्टॉपिंग में भी बहुत अच्छा हो। तो ओनाना इस वक्त अगर बात की जाए तो काफ़ी बहुत अच्छे गोल कीपर चल रहे हैं एट द मोमेंट, टॉप 5-6 गोल कीपर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, जिस तरह उनकी फॉर्म है उस वक्त चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी साइनिंग है और काफ़ी अच्छी रिप्लेसमेंट है डेविड डिगिया की। डेविड डिगिया की जो यूनाइटेड के लिए परफॉर्मेंस है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिस तरह उन्होंने 10-11 साल तक यूनाइटेड के लिए खेला और जिस तरह हाइस्ट लेवल के ऊपर परफॉर्म करा। हाँ, आप अप्स एंड डाउन करियर के अंदर आते रहते हो, जिस तरह वो लास्ट 2-3 ईयर्स से उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, और उस तरह से अपनी टीम को डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, क्लच मोमेंट्स में नहीं दिखा पा रहे परफॉर्मेंस, सो डेट्स वाई उनको जो है वाइज डिसीजन लिया उन्होंने, उसको बेच के और जो नानो को अपग्रेड करा उन्होंने। अमराबाद के भी रूमर से तो आई थिंक कि यूनाइटेड की भी काफ़ी अच्छी टीम स्ट्रांग नज़र आ रही है, और जिस तरह एरिक टेन हैग ने बोला कि अभी जो है हम और साइनिंग्स भी करेंगे, तो लेट्स सी और किसको साइन करता है, क्योंकि आई थिंक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है एक सेंटर मिडफील्डर की एक ज़रूरत है, और एक अगर मैगवायर जाते हैं तो एक सेंटर बैक की उनको ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज जो है लास्ट सीजन में काफ़ी अच्छा यूनाइटेड ने परफॉर्म करा था अगर देखा जाए, क्योंकि फर्स्ट सीजन था एरिक टेन हैग का, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म करा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और ट्रॉफी भी जीत रहे क्या नाम है कराबाओ कप। सो लेट्स सी इस तरह किस प्लान के साथ उतरते हैं। ग्रीनवुड का ही मामला लटका हुआ है कि क्या ग्रीनवुड खेल पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे यूनाइटेड को अगेन, या उनको बेच दिया जाएगा, जो भी लेट्स सी क्या होता है यूनाइटेड का। और लिवरपूल की बात कर लेते हैं, तो टॉप जिस तरह लिवरपूल की जो है प्लेयर्स बेचे जा रहा है, लेकिन कोई प्लेयर्स उन्होंने साइन करा नहीं है उनकी रिप्लेसमेंट में। सिर्फ मैकेलिस्टर और सबोज चुलाए को उन्होंने साइन करा है। सबोज चुलाए तो एक आपके अटैकिंग मिडफील्डर रहता है, नंबर 10 खेल लिया करेंगे, मैकेलिस्टर आपके सेंटर मिडफील्डर होगा, लेकिन जिस तरह एक टाइटल जीतने के लिए जिस तरह क्लॉप की टीमें फाइट करती थी टाइटल के लिए, और जो है सिटी लिवरपूल की जो रेस चला करती थी, उस तरह से काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से कंपीट कर भी पाएगा लिवरपूल इस सीज़न, या जिस तरह लास्ट सीजन यूरोपा लीग में फिनिश करा था कि इस सीजन भी वही होगा उनके साथ। तो लेट्स सी क्लॉप किस प्लान के साथ उतरते हैं, क्या उनकी अपना स्टाइल चेंज करते हैं, क्योंकि जिस तरह प्री सीजन में देखा थे उन्होंने थोड़ी सी अपनी फॉर्मेशन चेंज करी है, 3 एट द बैक खिला रहे हैं, आर्नल्ड को मिडफील्ड में लेकर आए हैं। तो लेट्स सी क्या करते हैं और क्या साइनिंग्स करते हैं। कायसेदो से भी रूमर्स आ रहे हैं कि कायसेदो को साइन कर सकता है लिवरपूल, चेल्सी ऑलरेडी कायसेदो को साइन करना चाहता है। तो लेट्स सी किस तरह लिवरपूल अपना स्क्वाड प्रिपेयर करता है, अभी तो सिर्फ जस्ट स्टार्ट है, और लिवरपूल चेल्सी का ही मैच है फर्स्ट डे में ही, सेकंड डे में प्रीमियर लीग के फर्स्ट डे में, ऑफकोर्स संडे वाले दिन ये मैच है। सो दोनों ही टीमें काफ़ी, चेल्सी में जिस तरह लास्ट सीजन के लिए चेल्सी की बात कर लूँ 12th पे फिनिश करा था, और इस सीजन पोचेतिनो को साइन कर लिया, पिछले सीजन ऑलरेडी 600 मिलियन स्पेंड कर दिए थे, इस सीजन ऑल 200 मिलियन आई थिंक और स्पेंड कर दिए, तकरीबन 800 मिलियन के करीब स्पेंडिंग कर चुके हैं, लेकिन स्टिल स्क्वाड उनका शेप में आया हुआ नहीं है। सो लेट्स सी क्या चेल्सी करता है, क्योंकि पोचेतिनो से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है चेल्सी की टीम को, ऑफकोर्स टॉड बॉली को भी, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स उनको साइन करके दिए, और जिस तरह उन्होंने एक पोचेतिनो का इस तरह से, जिस तरह टॉटनम में भी आपने देखा होगा, जिस तरह अपने स्क्वाड उन्होंने बिल्ड करा था टॉटनम को, एक विनिंग टीम बनाया था, ऑफकोर्स ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे वो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करा उन्होंने 3-4 साल तक। तो यही एक्सपेक्टेशन चेल्सी के साथ भी होंगी कि पोचेतिनो एक पूरा स्क्वाड बनाएंगे, जिस जो वो प्लेयर्स चाहते हैं वो प्लेयर्स उनको लाके दिए जाएंगे, और एक टाइम लगेगा ऑफकोर्स, लेकिन जिस तरह ऑलरेडी वो चेल्सी के पास ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स हैं स्क्वाड के अंदर, इतने टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, तो इतना टाइम दिया नहीं जाएगा। चेल्सी से भी एक्सपेक्टेशन होंगी ऑफकोर्स प्रीमियर लीग जीतने के लिए, या एफए कप या ट्रॉफीज़ के लिए, ऑफकोर्स कंपीट कर रहा है चेल्सी करता है हर साल ट्रॉफीज़ के लिए, लास्ट सीजन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे चेल्सी के प्लेयर, चेल्सी की टीम। लेट्स सी इस तरह से इस सीजन किस तरह परफॉर्म करते हैं चेल्सी वाले, जो है जो उनकी न्यू साइनिंग्स आती हैं, किस तरह परफॉर्म करती हैं, किस तरह एक स्क्वाड बिल्ड करते हैं पोचेतिनो, और एक स्क्वाड बिल्ड के नाम से वो उनको जाना जाता है कोच को, ऑलरेडी इंग्लैंड में कोच कर चुके हैं, सो काफ़ी ज़्यादा
एक्सपेक्टेशन है चेल्सी से, उनके ऑनर से, क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ थे लास्ट सीजन जिस तरह टीम ने परफॉर्म करा, बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे कि ये टीम किस तरह से किस लेवल पे परफॉर्म करी। चेल्सी फुटबॉल क्लब है और जिस तरह उन्होंने बिल्कुल उनके प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंसेज दिखाई और बिल्कुल भी अपने फैंस के एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतर पाए। लेट्स सी इस सीज़न किस तरह चेल्सी और परफॉर्म करता है प्रीमियर लीग के अंदर। तो प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं यार, तो आई थिंक टॉप फोर की अगर मैं बात करूँ तो स्टिल अभी भी मैनचेस्टर सिटी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है कि फर्स्ट पे आई थिंक मैनचेस्टर सिटी ही फिनिश करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। सेकंड में यूनाइटेड या आर्सेनल में से आई थिंक दोनों में से कोई एक अगर मैं चूज़ करूँ, क्योंकि मे बी यूनाइटेड हो सकता है क्योंकि आर्सेनल फर्स्ट टाइम चैम्पियंस लीग खेलेगा और आई डोंट थिंक कि वो उस तरह से कम्पीट दोनों टाइटलों में कर पाएंगे, या वो हो सकता है चैंपियंस लीग से जल कड़ी हैं। तो लेट्स सी, दोनों ही टीमें स्ट्रांग है लेकिन आई थिंक दूसरे पे यूनाइटेड मे भी फिनिश कर सकता है। थर्ड पे आर्सेनल होगा और फोर्थ पे लिवरपूल के चांसेस हैं अगर लिवरपूल उस लेवल पर परफॉर्म करवा। अगर सरप्राइजिंग टीम की बात करूँ इस सीज़न तो आई थिंक उना एमरी की ऑस्टन विला है जो एक सरप्राइज पैकेज हो सकती है इस सीज़न, क्योंकि जिस तरह उना एमरी कोच है, जिस तरह उन्होंने लास्ट सीज़न में उनकी टीम ने परफॉर्मेंसेज दिखाए और कहाँ से उनको उठा के उन्होंने कहाँ कॉन्फ्रेंस लीग खिला दी है इस सीज़न। लेट्स सी नेक्स्ट सीजन वो किस तरह से परफॉर्म करती है उनकी टीम और किस तरह उनकी जो है जो साइनिंग्स उन्होंने करी किस तरह से उनको किस लेवल पे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो आई थिंक आस्टन विला के पास एक आउट एंड आउट चांस है कि वो टॉप फोर के लिए कम्पीट कर सकते हैं अगर ऊपर वाली टीमों ने लिवरपूल या यूनाइटेड ने उस लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं करा, तो आस्टन विला के पास भी चांस है कि एक वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के टॉप फोर के लिए लड़ सकते हैं, जिस तरह लास्ट सीजन न्यूकासल यूनाइटेड ने क्वालिफाई कर रहा था चैंपियंस लीग के लिए। सो वीडियो ख़त्म करते हैं यार अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं टॉप फोर या कौन चैंपियन लीग कौन मतलब विनर बनेगा या प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट कौन जीतेगा इस सीजन, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।